ओम शांति। ये दिल्ली में साकार वाणी चल रही थी 29/12/63। नौवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, कोई धरती को वंदे मातरम नहीं करना होता है, धरती को क्यों नहीं करना होता है, वंदना क्योंकि धरती तो जड़ है, वंदना चैतन्य की जाती है। वंदे मातरम कोई वायलेंस वाली को भी नहीं की जाती है, वायलेंस माना हिंसा। धरती को भी नहीं की जाती है और हिंसा करने वाली कोई देवी हो तो उसको भी वंदना नहीं की जाती है। कौन है हिंसा करने वाली देवी? है महाकाली। बाबा ने बोला वायलेंस वाली को थोड़े ही वंदना करना है, फिर किसको करना है? हैं? कौन सी देवी की वंदना करना है? जो देवी नॉन वायलेंस हो, वायलेंस वाली देवी होगी तो महाकाली वायलेंस वाली है, किसके द्वारा पूजी जाती है? वायलेंस करने वालों के द्वारा पूजी जाएगी या अहिंसकों के द्वारा पूजी जाएगी? वंदे मातरम इन माताओं को किया जाता है जो ज्ञान की गंगाएं हैं। कोई बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है परंतु नहीं, जो अब बाबा सुनाते हैं हम भी अब वो ही बातें सुनाते हैं। अभी शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं है, बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? कौन सी बाबा की बात हुई है? शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे अपने अज्ञान काल में? पढ़ते तो थे। तो शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है। अच्छा, उनका कोई बाप है? है? अरे कोई नहीं बोलता। शिव बाबा का कोई बाप है? है? शिव बाबा का कोई बाप है? बाप टीचर है, सदगुरु कोई है? वो तो सारी दुनिया का बाप है, उसका कोई बाप हो ही नहीं सकता। उनका टीचर भी कोई नहीं हो सकता, वो तो ज्ञान का सागर है ना।
और सागर में तो नदियां हो, सरोवर हो, बड़े से बड़े कैनाल्स हो, गड्ढे गड़ीचियां हो, सब काय में समा जाते हैं, सागर में समा जाते हैं। अच्छा, उनका कोई गुरु होगा? अच्छा, आज नहीं तो कल कोई होगा है? नहीं होगा। कोई नई पार्टी निकल पड़े, विष्णु पार्टी वगैरह, तो उसका मुखिया गुरु नहीं हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे जितने भी विष्णु पार्टियां वगैरह निकले हैं, वो निकले कहां से है? कहां से निकले? अरे उन्होंने भी तो बाबा से ही ज्ञान लिया था ना। निश्चय पत्र लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था। तो देखो, शिव बाबा का कोई गुरु भी कभी नहीं हो सकता, न पहले था यज्ञ के आदि में शिव बाबा का कोई गुरु था है? उसको किसी ने पढ़ाई पढ़ाई? उसको किसी ने डायरेक्शन दिया? नहीं दिया। मनुष्य का सबका बाप और टीचर गुरु जरूर होगा। तो शिव बाबा मनुष्य नहीं होता है क्या है? शिव बाबा मनुष्य होता है या नहीं होता है? है? अरे वो तो मनुष्यों को मनुष्य माने नर नारी, उनको मनुष्य कहा जाता है, जो मन चलाते हैं, मननात मनुष्य। शिव बाबा मन चलाते हैं है? उनका मन चलायमान होता है? होता है? उनका मन तो चलायमान नहीं होता है। मनुष्यों का मन चलायमान होता है। तो फिर बताओ, मेरा बाप टीचर सदगुरु कौन होगा? मेरा नाम ये ज्ञान का सागर। तो फिर क्या है? मैं सबका बाप हूं। नहीं तो बताओ, मेरा बाप कहां से आएगा? हाँ, मेरा बाप और माँ यहां युक्ति से बनाए देते हैं। अरे किसको बनाए देते हैं है? क्या युक्ति है जो मेरा बाप, माँ और बाप दोनों बनाए देते हैं? अरे शिव बाबा आते हैं तो कोई की वंदना नहीं करते? करते हैं या नहीं करते हैं? किसकी? हाँ, माताओं का आकर के बच्चा बनते हैं। क्या कहते हैं? माताओं को पहले पहले मुझे अपना क्या बनाना पड़े है? बच्चा बनाना पड़े। बहुत चालाक है बाबा, जानते हैं। माता भावना वाली होती है, मुझे अपना बच्चा बना लेगी एक बार तो फिर कभी भी दूसरी वृत्ति नहीं जाएगी।
तो देखो मेरी माँ हो गई ना, तो ये युक्ति है। देखो बच्चे भी तो होते हैं ना, आ करके उठाते हैं किसको? बच्चा पैदा होता है तो बाप क्या करते हैं? आकर के बच्चे को उठाते हैं। तो ये भी देखो, ये बाबा क्या करते हैं? अपने बच्चों को हैं, जो पतन में पड़े हुए थे उनको आकर उठाते हैं। जादूगर है ना, बाप को बच्चा बना देता हूं है? ये क्या बात हुई? बाप को बच्चा बना देता हूं, ये कैसे है? कौन से बाप को बच्चा बना दिया? नहीं, अरे शिव बाबा के रूप में बच्चों के सामने कब से प्रत्यक्ष होते हैं? है 76 से, तो 76 से वो प्रत्यक्ष हुआ, माना उससे पहले था या नहीं था? है था तो, लेकिन गुप्त पार्ट था। तो ये युक्ति है कि मैं खुद भी बच्चा बन जाता हूं। माताओं का क्या बन गया? बच्चा। और फिर बाप किसको बनाया? अरे सन 76 से पहले कोई को बाप बनाया था? नहीं नहीं, नहीं बनाया था है? नहीं बनाया। अरे अरे बेसिक नॉलेज में आया कि नहीं आया? तो किसको बाप बनाया? ब्रह्मा का टाइटल है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। तो क्या समझा था उसे? जब बेसिक ज्ञान में आया तो ब्रह्मा को क्या समझा है? ये मेरा बाप है, ओम राधे सरस्वती मेरी माता है। तो देखो जादूगर हो गया। फिर रिकॉर्ड चला, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। इसका अर्थ समझते हो ना, कि तुम ही माता पिता हो, तुम ही सखा भी हो। बाबा जब इसमें आते हैं तो तुमको याद तो शिव बाबा को जरूर करना है। किसमें हैं? इसमें माने किसमें? इसमें कहते हैं तो बाजू में जो बैठा है, या जिसके बाजू में शिव बैठा है, तो बाजू वाले की तरफ इशारा किया। इसमें आते हैं तो तुमको शिव बाबा को याद जरूर करना है, है? जिसमें आते हैं उसको नहीं याद करना है? अरे करना है या नहीं करना है? 63 की वाणी है ना, तो इशारा दिया कि इसमें आते तो हैं ब्रह्मा में, दादा लेखराज में, परंतु इसको याद नहीं करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को याद जरूर करना है, कि इनका ये रथ है, ये शिव बाबा नहीं है, लेकिन क्या है? इनका ये टेम्परेरी रथ है। टेम्परेरी है या मुकर्रर है? हैं? ब्रह्मा दादा लेखराज का रथ टेम्परेरी है या मुकर्रर है? टेम्परेरी था। क्यों टेम्परेरी? क्यों?
यज्ञ के आदि में वो रथ था या नहीं था शिव बाबा का? है सन 35-36 में शिव बाबा का रथ ब्रह्मा था या नहीं था? दादा लेखराज है नहीं था? कराची से उनके द्वारा मुरली निकलती चली आई, उससे पहले तो लिखाते थे 10-15 पेज, ब्रह्मा बाबा बैठे लिखते थे, बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी, वो सुनाई जाती थी, बाकी डायरेक्ट मुरली नहीं चलाते थे। तो देखो ये बैठ करके खेलते भी हैं, नहीं तो बाबा थोड़े ही खेलते करते थे, नहीं बोलते हैं ये भी तो ब्रदर है ना, कौन दादा लेखराज ब्रह्मा भी क्या है, ब्रदर है ना, किसका है, किसका ब्रदर है, हम सब आपस में पढ़ते हैं ना, हम कहा तो कोई और की तरफ इशारा किया ना, ये कहते हैं बाबा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्या, ब्रदर कौन कहेंगे, शिव बाबा कहेंगे या हम कहेंगे, हम बच्चे कहेंगे, हम सब क्लास फ्रेंड्स हैं और एक बाबा के बच्चे हैं, इसलिए आपस में बहन और भाई हैं, दूसरा कोई भी हमारा आपस में संबंध नहीं है कि है, है? नहीं है, क्यों, ब्राह्मण परिवार में आपस में फैमिलियरिटी निभाने लग पड़े, कम उम्र की बहन हो बड़ी उम्र की बहन की गोदी में जाके बैठ जाए, तुम तो हमारी अम्मा हो, बहुत हमको प्यार देती हो, तो बड़ी बहन उसको हम बच्ची समझे या नहीं समझे कि ये मेरी बच्ची बनेगी 63 जन्मों में, समझे या नहीं समझे, है नहीं समझे, समझे, अगर समझे तो बाबा के श्रीमत अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ, है ये तो प्रतिकूल हो गया, क्यों कि अभी हम सब आपस में क्या है, भाई बहन, या तो भाई भाई हैं या भाई बहन, दूसरा किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पवित्र रहने की युक्ति भी तो चाहिए ना, क्या युक्ति बताई, अगर दुनियावी संबंध हम आपस में निभाने लगेंगे तो क्या होगा, पवित्रता बढ़ेगी या अपवित्रता बढ़ेगी, है अपवित्रता आ जाएगी, तो जब ब्रह्मा के बच्चे हुए यूं तो सभी भाई बहन हैं, भाई बहन हैं तो एकदम शादी कैसे कर सकते, क्या जो ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं, भाई बहन होते हैं, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं और होते हैं, अपन को भाई बहन समझते हैं, तो शादी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मुसलमानों में तो होती है शादी, भाई बहन की शादी पहले भी होती थी, आज भी होती है, यहाँ दक्षिण भारत में तो मोस्टली बहन की लड़की के साथ शादी होती है कि नहीं है, होती है, क्यों नहीं हो सकती। बाबा ने कहा ये विदेशियों की परंपराएं हैं, ये भारतीय परंपराएं
नहीं है। भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते, ये तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है। क्या भाई बहन आपस में शादी करें तो क्या बात हो गई, क्रिमिनल असॉल्ट हो गया। कहते हैं ना, हम सभी आपस में हिंदू चीनी बुद्धि भाई भाई हैं। क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन बात कब की है, हैं? आपस में भाई भाई आज के लिए कह सकते हैं, बाहर की दुनिया वाले क्यों नहीं कह सकते। अरे भाई भाई होने के, भाई बहन होने के लिए, भाई भाई होने के लिए क्या शर्त होती है, जो शर्त अभी पूरी नहीं की जा सकती दुनिया में, दुनिया वालों के लिए। अरे भाई बहन होने के लिए ये शर्त का कंपल्शन है कि भाई बहन है या भाई भाई हैं तो बाप भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो है दुनिया वालों के लिए। अगर वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो उनका कोई बाप प्रैक्टिकल में इस दुनिया में है, है नहीं है। अरे भाई बहन हैं और वे एक बाप के बच्चे हैं तो फिर शादी क्यों करते हो, भाई बहन की थोड़े ही शादी होती है। नहीं, अभी के समय में तुम सच सच में सब ब्रह्मा और सरस्वती यानी ब्रह्मा मुख वंशावली हो, हैं? एक से पैदा हुए हो या अलग अलग से पैदा हुए हो, जैसे वो और धर्म वाले क्रिश्चियन कहेंगे हमारा बाप क्राइस्ट, बौद्ध ही क्या कहेंगे हमारा बाप बुद्ध, मुस्लिम क्या कहेंगे हमारा बाप मोहम्मद, इस्लामी क्या कहेंगे हमारा बाप इब्राहिम। तो वो तो अलग अलग बाप हो गए, अलग अलग बाप हो गए तो एक बाप तो हुआ नहीं। तो ये बात याद दिलाई, तुम एक बाप के भाई बहन हो तो आपस में शादी कैसे कर सकते। अंदर से ये भावना पक्की की है, हैं? पक्की की है, ऐसे निश्चय बुद्धि बने हो कि हम एक बाप के भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे हैं, ऐसा निश्चय अंदर में आ गया है। पूछा, भाई बहन की थोड़े ही शादी होती है, नहीं, वो भी कहते हैं बाबा, वो भी कहते हैं, तो ये है युक्ति कि जब बहन और भाई हो तो फिर शादी करेंगे। तो शादी किस लिए की जाती है, हैं? अरे कोई बंदूक ले ले और बंदूक का लाइसेंस न ले तो उजागर होकर के पब्लिक के बीच में बंदूक चला सकता है, है? क्यों चलाएगा, तो पकड़ा जाएगा। यहां भी क्या है, इस दुनिया में क्या है, अगर शादी की हुई है तो उनको जैसे बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है,
कि तुम विकार में जा सकते हो। किस में जा सकते हो? विकार। वि माने विपरीत, कार माने कर्म। कैसा कर्म कर सकते हो? विपरीत कर्म कर सकते हो। काहे का विपरीत कर्म है? भगवान ने जो कर्म सिखाए थे या सिखा रहा है, उन कर्मों के विपरीत कर्म भी कर सकते हो, शादी का लाइसेंस लेकर के। आज के समाज में ऐसी स्वीकृति है या नहीं है? हैं? अरे, शादी करने के बाद स्वीकृति है या नहीं है? नहीं है, है? तो बाबा याद दिलाते हैं, वि माने विकार, वि माने विपरीत, कार माने कर्म। कौन सा विपरीत कर्म? भगवान कहते हैं न किसी को दुख देना है न किसी से दुख लेना है। दुख का लेन देन इंद्रियों के द्वारा नहीं करना है। और कन्या की शादी होती है, शादी होती है तो इंद्रियों के द्वारा दुख का लेन देन करना पड़ता है कि नहीं? कन्या को दुखी हो जाती है। बाप कहते हैं आपस में तुम भाई बहन हो तो तुम शादी कैसे कर सकते हो, एक बाप के बच्चे हो। अगर तुम विकार में जाएंगे, बाबा ने मोटी मोटी लाल लाल आंखें कर ले, अगर तुम विकार में जावेंगे तो फिर धर्मराज के रूप में बाबा बोलते हैं मैं बिल्कुल अच्छी रीति से सजा दूंगा। क्योंकि ये है हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट। क्या है हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट? क्या बताया? साधारण क्रिमिनल असॉल्ट नहीं है जो छोटी मोटी सजा हो। क्या बताया है? ये है हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट। क्यों? क्यों हाईएस्ट? क्यों? क्योंकि शादी जो की जाती है दूसरे परिवार में, दूसरे कुल में की जाती है। कोई बच्चे अपने ही कुल में शादी करें तो माँ बाप का मुंह काला होगा या नहीं होगा? दुनिया जब जानेगी कि इनके बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये हुआ बिल्कुल हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट। है असॉल्ट माना ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को हत्या कर देते हैं तो क्या हुआ? क्रिमिनल असॉल्ट हो गया ना, मुकदमा जाता है ना, केस चलता है ना उनके ऊपर। भाई बहन और सो भी दुनिया वालों को पवित्र बनाने की शिक्षा देने वाले भाई बहन, और तुम अगर आप पवित्र बन गए, वैसे समझो कि बड़ी कड़ी सजा के पात्र हो गए। मतलब बता देते हैं ये ऐसा ही है जैसे चार मार होती है ना। चार मार माने मंजिल। कोई मकान होता है ना, चार पांच छह आठ, आजकल तो सौ सौ मार का मकान बनाते हैं।
तो चार मार का मकान होता है ना, तो काम से अगर कोई ने सजा खा ली तो जैसे चार मार के ऊपर से गिरा, चार मार की बिल्डिंग होगी तो कितनी ऊंची हो गई, अरे कम से कम 40 फुट ऊंची हुई ना, 40 फुट ऊंचे से कोई अगर गिरेगा तो क्या हाल होगा, गिरा तो हड गुड टूट जाती है। 29/12/63 की वाणी का 10वां पेज, कितना समय उनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं ठहरेगा, क्या ज्ञान नहीं ठहरेगा मतलब है, ज्ञान के पॉइंट्स उनकी बुद्धि में नहीं चलेंगे। बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान यहां से उठा उठा कर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हुए ना, यहां से ज्ञान ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सुनते तो हैं लेकिन आश्चर्य से सुनते हैं, हैं? ऐसा भी होता है, जैसे गीता में आया है ना, आश्चर्य बात है, कोई सुनते हैं कोई दूसरों को सुनाते हैं, कथंती सुनते भी हैं आश्चर्यवत दूसरों को सुनाते भी हैं और फिर भाग जाते हैं। तो ऐसे यहां बहुत बच्चे हुए ना, उनसे भी मिलकर के पूछो जो भाग गए, अगर बाबा की बात पर विश्वास न हो कि ऐसे जो होते हैं उनको ज्ञान भूल जाता है बुद्धि से निकल जाता है, तो उन बच्चों से जाकर के पूछो जो आश्चर्य व सुनंती कथंती भागंती हो गए थे, क्या पूछो, क्या ज्ञान तुम्हारे को अभी है, जो तुमने ज्ञान सुना दूसरों को सुनाया वो ज्ञान तुम्हारे अंदर अभी है, पूछो, अगर है तो किसी को समझा सकेंगे, समझा सकेंगे हैं? नहीं समझा सकते, क्योंकि माया के देह अभिमान की पूरी चपेट में आ जाते हैं, नील एकदम बिल्कुल गार्ड रेस का ताला लग जाता है, काहे का ताला, गार्ड रेस का, ये गार्ड रेस का ताला क्या होता है, है गार्ड माने भगवान और रेस माने किरण, माने भगवान के ज्ञान का कोई दुरुपयोग करते हैं तो उनको कौन सा ताला लगता है, है गार्ड रेस का ताला लग जाता है, जो भी अपवित्र बनेगा। तो बाबा कहते हैं मैं ये सजा देता हूं कि उनके बुद्धि को थोड़े समय के लिए ताला जरूर लगा देता हूं। ऐसे क्यों कहा, थोड़ा ताला लगा देता हूं है? माना आगे चल के ताला खोल दूंगा है, खोल दूंगा
अरे एक बार भगवान के बच्चे बने तो भगवान के पंजे में तो आ गए ना। जैसे बिल्ली है और बिल्ली के सामने चूहा, किसी हाल में एक चूहे को दौड़ा दो, ऊपर से बिल्ली छोड़ दो, वो भागती रहेगी, चूहा भी भागता रहेगा जान बचाने के लिए। बिल्ली उसे खिलाने के लिए कभी कभी पकड़ लेती है और फिर जानबूझ के करके छोड़ देती है, फिर वो भागता है, फिर पकड़ती है, फिर छोड़ देती है। तो ऐसे ही भगवान को भी दया आ जाती है, देखो शायद सुधर गया हो, ठोकर खा के ठाकुर बन गया हो, तो थोड़ा ताला लगाता हूं। ताला लग गया फिर क्या इस काम का, ताला लग जाता है बुद्धि को तो फिर यहां ठहरते ही नहीं है, फिर किसी को बोल नहीं सकते। क्या क्या नहीं बोल सकते कि काम महाशत्रु है, इसको जीतना है, क्यों नहीं बोल सकते? खुद ही हार गए हैं, हार गए तो क्या करेंगे? जो हार जाते हैं वो फिर लड़ाई लड़ते हैं, हैं? अरे किसी पहलवान से कुश्ती हुई और उसने धड़ाक से कहा चारों को नचित कर दिया, तो इससे उसे लड़ाई लड़ेंगे या छोड़ के भागेंगे? हैं? फिर थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, खुद ही नहीं जीतने वाला होगा तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्या हैं? क्या कैसे हो सकता है? अरे क्या कैसे हो सकता है? सन्यासी लोग क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं? सन्यासी हाँ नहीं, सन्यासी लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष साथ में नहीं रह सकते। अब वो स्त्री पुरुष चाहे भाई बहन हो या पति पत्नी हो, लेकिन सन्यासियों का कहना क्या है, हैं? ये पवित्र नहीं रह सकते। अगर भाई बहन भी नौजवान हैं, साथ साथ में रहते हैं, तो उनका कहना है काजर की कोठरी में कैसो उसयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागे। कुछ न कुछ इंद्रियों से विकर्म पाप कर्म करते ही रहेंगे। और बाबा क्या कहते हैं, क्या मैं कैसी दुनिया स्थापन करता हूं, हैं? अरे अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखा नहीं, पीछे है, नीचे खड़े हैं राधा कृष्ण खड़े हैं, उनकी दुनिया कैसी है? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। ऐसे ही वहां जितने भी पेयर्स होंगे, जोड़े होंगे, सबकी दृष्टि एक दूसरे में डूबेगी और किसी में डूबेगी नहीं। तो दृष्टि से भी इतनी पवित्रता का पालन करते हैं तो और इंद्रियों की तो बात ही क्या। इतने अभिविचारी होते हैं देवताएं। तो बोला बाबा ये सजा देते हैं, गॉडरेज का ताला लगाए देते हैं कि बस कोई भी बड़ी भूल करते हैं उसमें भी काम की भूल तो ताला लगाए देते हैं।
फिर किसको कह भी ना सके। क्या क्या नहीं कह सके कि हमने ये ज्ञान क्यों छोड़ दिया? दूसरों को कारण बताएंगे बैठ करके? अपनी गलती बताएंगे है? नहीं बताएंगे। फिर किसी को कह भी ना सके और जैसे बिल्कुल मुर्दे बन जाते हैं। तो बाबा समझाए देते हैं ऐसे फिर कुल कलंकित बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अपने कुल को कलंक लगाने वाले बन जाते हैं। यहां कलंक लगाने वाले बनेंगे कहां? संगम युग में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा है? अरे कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं। द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर में देवता धर्म की आत्माएं ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होती हैं या नहीं होती हैं? है? जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके लिए जो पक्के भारतवासी होते हैं वो क्या कहते हैं? इन्होंने हमारे कुल को क्या कर दिया? कलंक लगा दिया, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। कैसे कलंक लगा दिया? कैसे कलंक लगा दिया? अरे कुछ उल्टा काम करते हैं तभी तो कहा जाता है ना कलंक लगाया। क्या उल्टा काम? अरे इस्लाम धर्म जब शुरू होता है तो इब्राहिम वाली जो आत्मा आती है इस सृष्टि पर, वो कोई न कोई देवता धर्म की आत्मा में प्रवेश करती है। प्रवेश करके उसकी दृष्टि को वृत्ति को व्यभिचारी बना देती है। क्यों क्यों बना देती है? ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की इस्लाम धर्म की आत्मा है, वो व्यभिचारी क्यों बनाती है? नहीं समझ में आया है? नहीं। ऊपर से द्वापर युग में आने वाली जो भी आत्माएं हैं उन्होंने सतयुग और त्रेता का सुख तो देखा ही नहीं है कि अव्यभिचारी सुख क्या होता है। वहां कैसे आपस में अव्यभिचारी प्यार से रहते हैं? वहां डाइवोर्स नहीं दिया जाता। दिया जाता है? है? व्यभिचारी दुनिया में डाइवोर्स दिया जाता है या देवताओं की अव्यभिचारी दुनिया में डाइवोर्स दिया जाता है? है? ये जो व्यभिचारी दुनिया है, व्यभिचारी व्यभिचार फैलाने वाले धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो ऐसा ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग देखा है? देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं है तो उसका अनुभव तो उनको है नहीं। वो इस बात को मानते ही नहीं। क्या? के भ्रष्ट इंद्रियों के अलावा श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान की पैदाइश हो सकती है। वो दृष्टि के सुख को सुख मानते ही नहीं। कौन सा सुख मानते हैं? है? भ्रष्ट इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं। उनको फिर भ्रष्टाचारी कहा जाता है, भ्रष्ट आचरण करने वाले। कौन? देवताएं या असुर या राक्षस है? भ्रष्टाचारी कौन हुए? जो असुर कहे जाते हैं, राक्षस कहे जाते हैं, उनको कहा कि वो देहभान का सुख लेने वाले हैं। आत्माभिमानी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं,
जो ज्ञान में रस लेने वाली है उसका सुख लेने वाले नहीं है। तो जो देह भान का सुख लेने वाले होंगे वो मांसखोर हुए ना, हैं? मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाते हैं, कुल कलंकित बन गए ना। यहाँ कुल कलंकित बनते हैं, ये शूटिंग पीरियड है 5000 वर्ष की ड्रामा का। कौन सा पीरियड है वो? ड्रामा खेलते हैं तो पहले रिहर्सल करते हैं कि नहीं है? जैसा जैसा रिहर्सल करना सीखेंगे वैसा ही ब्रॉड ड्रामा में खेल खेलेंगे। तो ये रिहर्सल भी हो रही है संगम युग में, शूटिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। जो कुल कलंकित बन जाते हैं, अरे शिव बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली और ब्राह्मण वालों के कुल कलंकित बन जाते हैं, एकदम बड़ी सजा है। क्योंकि धर्मराज भी तो है ना, फिर रिकॉर्ड बजा। कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। वो सहायक भी है, कोई गिर जाते हैं तो रहम दिल होने के कारण भगवान सहायता भी करता है, साथी भी है। साथी है या नहीं? अंत समय तक भी साथी है। अंत समय में कैसे साथी है? हैं? मच्छरों के मिसल साथ में ले जाने वाले हैं। ये नाटक पूरा होगा, 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा होगा तो सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? बिंदु बिंदु आत्माएं परमधाम वापस जाएंगी। किसके साथ जाएंगी? झाड़ का चित्र देखा है? झाड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हैं? कौन? शंकर का चित्र दिखाया है। शंकर तो देवता होता है, देवता साथ में ले जाने वाला है, क्योंकि शंकर के चारों ओर देवताएं, वो देवात्माएं उड़ती हुई जा रही है दिखाई है। तो ले जाने वाला शंकर है या शंकर के अंदर शिव बाबा है? कैसे ले जावेगा? मच्छरों सदस्य ले जावेगा, मच्छरों की मिसल शरीर छुड़वा करके बाबा गाइड बन करके ले जाते हैं। ये क्या बात हुई है? मच्छरों का मिसाल क्यों दिया? अरे एक तरफ मिसाल देते हैं शिव की बारात का, शिव की बारात में कौन कौन जाते हैं? हैं? अरे भूल गए, एक तो घराती जाते हैं और दूसरे बाराती जाते हैं। साथ साथ कौन जाते हैं? जो घराती बच्चे हैं वो साथ साथ जाते हैं और बाकी पीछे 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 बाराती जाते हैं। तो बाबा सबको गाइड करके ले जाते हैं। लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही थी? हैं? बात यहाँ दुनिया में बिगड़ैल की संख्या ज्यादा है या सुधरे हुए देवताओं की संख्या ज्यादा है? हैं? बिगड़ैल की संख्या ज्यादा है। तो उनके लिए बताया कि मच्छरों सदस्य साथ में ले जाते हैं। मच्छर क्या करता है?
है? मच्छर शरीर कैसे छोड़ता है? मच्छर बैठा है यहाँ, है महसूस होता है कि नहीं? नहीं महसूस होता। मच्छर बैठता है और आधी नींद में भी होगा कोई तो क्या करेगा? करेगा कि नहीं? मार देगा, है? उसका शरीर खत्म हुआ, मच्छरों से सदर से ले जाते। मच्छर की कोई वैल्यू होती है? हैं? कोई वैल्यू नहीं। तो बोला शरीर छुड़वा कर मच्छरों से सदर से ले जाते हैं, गाइड बन करके ले जाते हैं कि रूहानी पंडा है, मच्छरों के शरीर को नहीं ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? उसकी रूह को ले जाते हैं। इसको गाइड भी कहा जाता है, लिबरेटर भी कहा जाता है। क्या गाइड क्यों कहा जाता है? गाइड माने रास्ता बताने वाला। तो वो रास्ता कहाँ ले जाता है? रास्ता बताकर कहाँ ले जाता है? ऊपर ले जाता है कि नीचे ले जाता है? ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है। सबकी बुद्धि ऊपर जाती है अपने आप, है? अरे सबकी बुद्धि ऊपर जाती है, हर आत्मा की बुद्धि, हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि ऊपर जाती है। ऊपर जाने की अभ्यासी होती है, नहीं होती है? कोई आत्माएं तो ऐसी होती हैं कि जिंदगी में देह भान भोगे बगैर रह ही नहीं सकती। तो उनकी बुद्धि नीचे जाने की अभ्यासी हुई या ऊपर जाने की अभ्यासी है? वो तो नीचे जाने वाली बुद्धि हो गई। तो ऐसी आत्माओं को भी मच्छरों से दस ले जाते हैं, गाइड बन करके ले जाते हैं, ऊपर जाने का रास्ता गाइड करते हैं, बताते हैं। लिबरेटर भी उनको कहा जाता है। कैसे लिबरेट करते हैं? अरे जो आत्माएं देह भान में इतनी फंसी हुई हैं, क्या करते हैं उनके लिए? देवान से लिबरेट करते हैं या नहीं करते हैं? देवान से लिबरेट हुए बगैर कोई की मन बुद्धि ऊपर जाएगी? है? मान लो कोई माता की बुद्धि बच्चों में फंसी हुई है, माताओं का मोह बच्चों में बहुत होता है, और बच्चों में बुद्धि फंसी हुई है, तो उसे फंसी हुई बुद्धि कहेंगे या बुद्धि ने लिबरेशन को पाई लिया? लिबरेशन माने मुक्ति। बुद्धि मुक्त हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई। तो शिव बाबा को लिबरेटर भी कहा जाता है। बीमारी में हो ना, क्या बीमारी है आत्मा को? अरे आत्मा को कोई बीमारी लगी है कि नहीं लगी है? हैं? देवानी की बीमारी सभी को लगी हुई है, कोई को कम कोई को ज्यादा। सिर्फ इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस को ही लगी हुई है, दूसरे धर्म वालों को ही लगी हुई है, परवर्ती धर्म पिताओं को ही लगी हुई है, या जो शिव बाबा के बच्चे देवताएं कहे जाते हैं उनको भी लगी हुई है? हैं? देवान की बीमारी में देवताएं भी फंस गए कि नहीं फंस गए? वो भी द्वापर युग से संग के रंग में फंस गए। तो बाबा बीमारों को 7 रोज का अपने घर में ऐसलम देते हैं, शरण देते हैं, कम से कम 7 रोज की शरण देते हैं, और एक दिन आना और एक दिन वापस जाना। ये 9 रोज की शरण मिलती है क्या? ये शरण क्यों देते हैं? हैं? इसलिए देते हैं कि जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने के बाद
नए बाप का बच्चा बनेगी या नहीं बनेगी? है, बनती है ना। तो कैसे बनती है? है कोई प्रोसीजर है या नहीं है बाप का बच्चा बनने का? कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ, वो आत्मा जिस बाप के घर में जन्म लेना होगा उस घर में जाकर के उस बाप की घरवाली के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तो कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है। वो तो देवभान की बात है। और यहाँ यहाँ काय की बात है? यहाँ आत्मा को सुधरना है या देह को सुधरना है? पहले आत्मा को सुधरना है। तो आत्मा 7 दिन का बाप के घर में जाकर के असलम न लेवे तो बीमार की बीमारी रहेगी कि बीमारी छूट जाएगी? नहीं। बाबा बोलते हैं आओ भट्टी में पड़ो तो अच्छी तरह से तुमको 9 दिन संग का रंग लग जाए। कोई शरीर छोड़ता है तो माँ के पेट में जाके जन्म लेता है, माँ के पेट में प्रवेश करता है तो अच्छी तरह से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? है? लगता है। खाना पीना कहाँ मिलता है? अंदर ही मिलता है। हवा कहाँ से मिलेगी? जलवायु कहाँ से मिलेगी? बाहर की दुनिया की हवा लगती है? नहीं लगती है। तो अच्छी तरह से तुमको संग का रंग लगे। क्या गायन है? जैसा संग वैसा रंग, जैसी जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा भोजन, भोजन अच्छा खाते हैं तो बुद्धि अच्छी बनेगी। तो गर्भ के अंदर भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलती है, जलवायु सब कुछ अंदर ही अंदर। तो यहाँ भी 9 दिन की भट्टी में क्या होता है? जाते हैं तो बाहर का खाना मिलता है? है? नहीं मिलता। बाहर से पानी मिलता है? नहीं मिलता। हवा, हवा अंदर की मिलती है या बाहर की? है? वाइब्रेशन अंदर वालों का मिलता है या बाहर वालों का? है? अंदर वालों का। इसलिए इसको भट्टी कहा जाता है। गीता का भी है तो भागवत का भी है, तो सबका 7 रोज का यादगार है।